नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जना। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। कोटा तहसीलदार रिटर्निंग अधिकारी प्रमोद गुप्ता ने अपने पद की गरिमा का मजाक उड़ाते हुए ऐसा दुर्व्यवहार किया था। रिटर्निंग अधिकारी प्रमोद गुप्ता के द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार की घटना से मीडिया समूह के कर्मियों में भारी आक्रोश है। वहीं कोटा मीडिया के समर्थन में कोटा और रतनपुर के अधिवक्ता संघ ने भी तहसीलदार प्रमोद गुप्ता को कोटा तहसील से हटाने का समर्थन किया। वहीं बुधवार को पत्रकार और अधिवक्ता संघ के द्वारा कोटा SDM कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। पंचायत चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने ये अति आवश्यक है और अतः मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। हम ग्राम पंचायत खैरा से हैं, सुकृता पोरते हमारे नाम है और हम सरपंच पद के लिए आवेदन किए थे। उसमें हम 3 बजे आवेदन ऑनलाइन कर दिए थे। उसके बाद जब हम 4 बजे गए तो बंद करके चले गए थे अधिकारी लोग। उनके बाद भी हम उनसे बात किए कि सर अभी टाइम है, आप हमारे आवेदन स्वीकृत कीजिए और जमा कीजिए। तो वो बोले कि नहीं, 3 बजे तक टाइम है और उसके बाद हम नहीं लेंगे, करके उठ के चले गए। कौन तहसीलदार को कौन अधिकारी? वो वहाँ अपने रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद हम कोटा आए, कोटा में तहसीलदार साहब से भी अपील किए कि आवेदन भी दिए कि सर हमारा ऐसा ऐसा है करके, और ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन होने के बाद हमारा आवेदन नहीं लिया जा रहा है करके। तो उनने बोले कि आप 25,000 लाइए, उसके बाद हम आपको बताएंगे ऐसा करके। पूरे अधिकारी का नाम है? अधिकारी वही साहब हैं बाबू, और उनके जो अधिकारी हैं वो लोग बोले। गुप्ता हैं, नाम पूरा नहीं मालूम है। क्या बताएं? गुप्ता जी तहसीलदार हैं जी, और हमको गुमराह कर करके रखे हैं कि हाँ बताएंगे निराकरण कीजिए। हमारे सुबह से 10 बजे से आए और हम पूछ रहे हैं बार बार कि हमारा निराकरण कीजिए, इसके बारे में कुछ सलूशन बताइए। तो बोल रहे ठीक है बताएंगे, बाद में बताएंगे, वेट करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, ऐसा करके हम बोलिए। जी आज आवेदन दिया जा रहा है, पत्रकारों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी होती है तहसीलदार द्वारा, तो क्या है? कोटा तहसीलदार प्रमोद गुप्ता द्वारा कोटा के पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी अखिल भारतीय पत्रकार शिक्षा समिति छत्तीसगढ़ घोर निंदा करती है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करती है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को जनता से जुड़े मामले में न बैठाया जाए, उन्हें ऐसा काम दिया जाए जिससे उनकी कोई लाइबिलिटी बने ही नहीं। तो पत्रकारों को जवाब ही नहीं देंगे। ऑलरेडी पत्रकार जाता क्या है ऑफिस आपसे जानकारी लेने जाता, कल भी वो पत्रकार साथी जो गए जवाब लेने ही गए कि क्या हो रहा है पंचायत चुनाव को लेकर, तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया पत्रकारों के साथ और हम चाहते हैं कि उसे तुरंत उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए और उन्हें इधर से तुरंत हटाया जाए। वकीलों का भी सहयोग मिला है? हाँ, कोटा बार एसोसिएशन और रतनपुर बार एसोसिएशन द्वारा हमें सहयोग किया गया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और कभी भी वकीलों को हमारी आवश्यकता पड़े हम उनके लिए खड़े हैं और उन्होंने हमें समर्थन दिया, हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं। अभी हम मुख्यमंत्री महोदय से मान ये करते हैं यदि इनको यहाँ से हटाया नहीं गया और इन्हें इस प्रकार कोई भी काम न दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी इनकी शिकायत हुई है, कई जगह शिकायत पहले भी आ चुकी है, तो ऐसे अधिकारियों को प्रशासनिक मतलब ये जनता जुड़े मामले में न बैठाया जाए और इन्हें ऐसा कार्य दिया जाए जिससे जनता से इसका डायरेक्ट इनका डायरेक्ट संबंध न रहे। तो यदि 10 हफ्ता या 10 दिन के अंदर इन्हें नहीं हटाया जाता तो हम जिला कार्यालय बिलासपुर में अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे हैं। 10 दिन बहुत बड़ा समय होता है। निश्चित ही लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कसरर और सुझे हुए तहसीलदार की आवश्यकता पड़ती है। विगत कई दिनों से यहाँ कोटा बार के भी वकीलों के द्वारा और वकीलों के द्वारा स्वयं अनुभव किया गया है कि इनके द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही भी के समय ये वकीलों की बातों को ध्यान से सुनते नहीं है, कहीं भी इधर उधर अपना ध्यान भटकाए रहते हैं, जवाब दवा पेश करते समय या बहस के दौरान इनका ध्यान कहीं अलग लग रहता है, व्यवहार सही नहीं है। और जो पत्रकार संघ के लोगों के द्वारा या प्रेस के लोगों के द्वारा जो अभद्रपूर्ण व्यवहार करने की बात कही गई है वो निंदनीय है और लोकतंत्र में जो तीसरा स्तंभ होता है, चौथा स्तंभ जो होता है, ये वास्तव में इस प्रकार का आघात पहुँचाना बहुत ही अमान्य कृत्य है और हम इनका निंदा करते हैं और माननीय निर्वाचन आयोग से भी आप लोगों को इस बात को रखना चाहिए और जो भी ये कोटा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के जो आते हैं पक्षकार उनके लिए भी हितकारी रहेगा। एक प्रशासनिक अधिकारी डोकी शब्द बोलता है, इतना सही मानते हैं? ये कोई संस्कार वाली शब्द नहीं है, अगर इस प्रकार का शब्द का प्रयोग अगर उनके द्वारा किया गया होगा तो वास्तव में ये निंदनीय शब्द है, हम इनका भर्त्सना करते हैं। क्या ये लॉ के परिभाषा में
ये शब्द जो है ये अनैतिक है? बिल्कुल अनैतिक है, इस प्रकार का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए और वकील संघ भी इस बात की निंदा करती है। मैं पंकज जायसवाल कार्यकारिणी सदस्य जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर। तहसील कोटा में पदस्थ तहसीलदार श्री गुप्ता जी न्यायालयीन कार्यों में अधिवक्ताओं की अनदेखी करते हुए अवैधानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं और कोर्ट पर ही वो अधिवक्ताओं से यानी अगर जरा विलम्ब भी हो जाए तो तुरंत प्रकरण खारिज कर देते हैं अदम पैरवी में, और इससे अधिवक्ताओं को काफ़ी परेशानी हो रही है, उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनको त्वरित यहाँ से हटाया जाए। पत्रकारों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, पत्रकारों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया है वह उचित नहीं है, असंसदीय भाषा का प्रयोग अच्छा नहीं है, और इसलिए हम चाहते हैं कि एक जिम्मेदार अधिकारी को यहाँ पदस्थ किया जाए जो जनहित ऐसी कार्य को करे और लोगों से सामान्य व्यवहार रखे। अधिवक्ता संघ सचिव कोटा सुनील साहू।